more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ आस्था सदी और मैं हूं अमित दीवान और आज हम बात करने वाले हैं ढेर सारी बिग बॉस सीजन 12 को लेकर। सीजन 12 जहां पे ऑलरेडी सिर्फ 12 कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं। आज होने वाला है वीकेंड का वार और बहुत सारा तमाशा। वीकेंड के वार में आप सभी को एक से बढ़कर एक ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि इस बार नॉमिनेटेड है रोमिल, सुरमी, दीपक और सोमी। वेल अमित, आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि खबर है कि फिलहाल आज के एपिसोड में नो एविक्शन होने वाला है। जहाँ आपको बता दें कि इस बार कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, हैप्पी क्लब एक बार फिर से हैप्पी होने वाला है। वेल अब इसे आप स्क्रिप्टेड कह लीजिए या फिर कह लीजिए टीआरपी का तड़का, लेकिन इस बार चारों में से कोई भी नहीं होने वाला है एविक्ट। फिर बात करें अगर बिग बॉस के वीकेंड के वार की, तो जाहिर सी बात है वीकेंड के वार में दर्शकों को टॉर्चर रूम वाला ड्रामा भी देखने को मिलेगा। जहाँ आज आपको बताएंगे कौन जा रहा है टॉर्चर रूम में। वेल गाइस, हो जाइए तैयार, क्योंकि इस बार घर की बहू यानी कि दीपिका कक्कर जाने वाली है टॉर्चर रूम में। अपने मोटे मोटे आंसू बहाकर भी दीपिका को एक बार फिर से टॉर्चर रूम का सामना करना पड़ेगा, जहाँ घर वाले उन पर संगीन आरोप लगाने वाले हैं। घर वालों का कहना है कि उन्होंने संचालक में पूरी तरीके से केवी की तरफ बाइस की। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता देते हैं कि टास्क के दौरान जितने भी अनफेयर डिसीजन लिए हैं दीपिका ने, उन सब की वजह बनने वाली है दीपिका का टॉर्चर रूम में जाना। एक चीज और आप सभी को देखने को मिलेगी, इस बार आप सभी को जेल देखने को मिलेगा, जहां आपको बता दे कि करणवीर देंगे काल कोठरी की सजा, वो भी सैटरडे को, जिसमें होने वाले हैं यानी कि जेल जाने वाले हैं श्री, रोहित और दीपक। वेल यस, तो क्या होने वाला है आज के एपिसोड में ये तो हम आपको धीरे धीरे बता ही रहे हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या केवी ने बदला ले लिया है श्री से। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि इस बार स्पेशल गेस्ट की भी एंट्री होने वाले बिग बॉस के अंदर, प्रीति जिंटा। एग्जैक्टली, प्रीति जिंटा आने वाली है अपनी फिल्म के साथ, वो बिग बॉस के सेट पर अपनी फिल्म को प्रमोट करेंगी। इसी के साथ वो घर के अंदर भी एंट्री ले सकती है, और घर के अंदर एंट्री लेने के बाद होने वाला है एक बहुत बड़ा टास्क, जहाँ पे नॉमिनेटेड जो सदस्य है उनमें से कोई एक हो जाएगा हमेशा के लिए से। वेल हमेशा के लिए? हमेशा के लिए नहीं आस्था, बस इसी वीक के लिए वो कंटेस्टेंट सेफ होने वाला है। और वो कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि हमारे मास्टरमाइंड है यानी कि रोमिल। तो आगे आपको बताने से पहले थोड़ा ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे भी थोड़ा फिर से स्क्रिप्टेड लग रहा है, क्योंकि मास्टरमाइंड को बाहर कोई नहीं होने देना चाहता है। एग्जैक्टली, बिग बॉस की स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि बिग बॉस में अगर कोई अभी अच्छे से खेल रहा है तो वो सिर्फ रोमिल है जो अपने दिमाग से खेल रहा है और दिल से भी। हमने पीछे एपिसोड में देखा था जहाँ पे दिवाली वाला टास्क आया था, और हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने अपना वीडियो चैट सोमी खान के लिए गिव अप कर दिया था। एक्चुअली आपको ये भी बता दूं कि नेक्स्ट नॉमिनेशन में हो सकता है कि सुरभि, दीपक और सोमी फिर से नॉमिनेशन में जाए, लेकिन इस बार तो नॉमिनेशन किस बेस पे होने वाला है फिलहाल की नहीं किया गया है रीड। तब तक के लिए बिग बॉस से और जुड़ी लेटेस्ट स्कूप जानने के लिए आप करें हमारा चैनल सब्सक्राइब, टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टिल देन, बाय बाय। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.